आइकन्स को यूज करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, दैट इज, पहले ना मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, क्लोज अदर टैब्स, ग्रेट। अब हमारे पास क्या है, फॉन्ट ऑसम। अब फॉन्ट ऑसम के पास आप जाओगे, फॉन्ट ऑसम के पास क्या है ना, बहुत सारे आइकन्स पहले से रखे हैं यहाँ पर, बस आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, वो आप कुछ भी ऐसे ही आप डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बोर्ड, अब मैंने बोर्ड डाला तो ये देखो कुछ बोर्ड्स आ गए। अब ये सारे सॉरी फ्री नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑल दी फ्री वाले आइकन्स। अब यहाँ पर बोर्ड आ गया, क्लैपर बोर्ड, चेस रूक, ये बोर्ड से रिलेटेड है, दैट्स वाई इट इज अवेलेबल हियर। चेस बोर्ड आ गया या कुछ भी आपको कीबोर्ड आ गया, तो कैसे भी बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से जो भी आपको लगे आप उठा लो। पर अभी देखो एक चेंज हमारे पास क्या है, ये वाले आइकन्स जो लिंक्डइन ने यूज कर रखे हैं, या जो अमेजोन यूज करता है, या जो फ्लिपकार्ट यूज करता है, या जो भी अपना Z5 ये सब यूज करते हैं, तो ये आइकन्स फ्री वाले आइकन्स नहीं है। या तो उन लोगों ने अपने क्रिएट करके रखे हैं, या पेड वाले ऑप्शंस दे हैव यूज्ड। अब हम लोग तो पेड वाले ऑप्शन पे जाएंगे नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग फ्री वाले ऑप्शंस में से जो हमको मोस्ट सुटेबल लगेगा वो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मे बी अभी प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर मेरे को ऐसा आइकन चाहिए ये वाला, तो एज इट इज ऐसे वाला आइकन नहीं मिलेगा, पर ठीक है आर्टिकल से रिलेटेड जो आइकन मेरे को ठीक लगेगा आई विल यूज दैट, क्योंकि अभी मेरे को पेड वाले तो यूज करने नहीं है, और फ्री वाले में मे बी वो वाला आइकन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो उसका लुक एंड फील अलग हो सकता है। तो बस अभी कोई भी आइकन आपको चाहिए जस्ट राइट हियर। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यूजर का आइकन चाहिए, यूजर के आइकन में अगेन फ्री वाला ऑप्शन तो पहले से सिलेक्टेड है इस बार, तो यूजर के ऑप्शन देखो आपके पास आ गए, या मैं बोलूँ कंप्यूटर सर्वर, सर्वर लिखते हैं। अब देखो सर्वर का तो एक ही आइकन है, पर ठीक है फ्री वाले ऑप्शन में आपके पास सर्वर कैसे दिखाना है ऐसे करके, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, आइकन्स अगर आपको चाहिए आप कहाँ से यूज करोगे, फॉन्ट ऑसम से यूज करोगे। यूज करने का तरीका क्या है, ये वाला जो भी आइकन आपको चाहिए क्लिक ऑन दिस, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया ये आपके पास पॉपअप विंडो आएगा, और इसको सिर्फ कॉपी करना है। वी आर वर्किंग ऑन HTML, तो रिएक्ट वो SVG इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना, वी जस्ट नीड टू कॉपी दिस वन। ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप अपने HTML पेज पे जहां भी आपको आइकन चाहिएगा वहां पर आके इसको पेस्ट कर दो, आपका आइकन इज रेडी, राइट। बट आइकन इज कमिंग फ्रॉम CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये आइकन आ कहां से रहे है, ये आइकन आ कहां से रहे है, उसके लिए भी आपको या तो यहीं पर आएगा स्टार्ट में डॉक्यूमेंटेशन में जाके यू कैन फाइंड, या फिर आपको यहीं पर लिखना है फॉन्ट ऑसम CDN। अब CDN.js सबसे पहला लिंक आया, तो अब यहां से देखो आपके पास सबसे सबसे पहला वाला लिंक क्या है, ये वाला वर्जन का CSS चाहिए फॉन्ट ऑसम का सारा। अब ये सारा का मतलब मे बी आपको स्टाइलिंग चाहिए, मे बी आपको इमेज चाहिए, सिर्फ फॉन्ट चाहिए, तो अलग अलग चीजें हैं, पर मैंने बोला ना अब मेरे को तो सब चाहिए, या आप बोल सकते हो सिर्फ ओनली ब्रांड्स CSS आपको चाहिए, रेगुलर चाहिए, सॉलिड चाहिए, नहीं मैंने बोला ऑल, ऑल का मतलब सब आएगा। ये जस्ट कॉपी, जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसके बाद मैंने बताया ये लिंक और मेरा वाला लिंक ना लास्ट में होना चाहिए, सो दैट कोई CSS मैंने चेंज किया है तो इसके ऊपर अगर मैं CSS अप्लाई करने गया तो ये वाला CSS शुड ओवरराइड ऑल दीज थिंग्स, तो बस मेरा वाला CSS शुड बी लास्ट वन। अभी यहाँ पर जैसे ही मैंने ये वाला लिंक ऐड किया, इसका मतलब फॉन्ट ऑसम का CSS इज अवेलेबल हेयर। सो सेम मैंने ये क्या किया था, मैंने यहाँ पर जो CSS लिखा वो मेरे HTML पेज पे आ रहा है, फॉन्ट ऑसम ने जो यहाँ CSS लिखा वो भी मेरे पेज पर आएगा। ऑब्वियसली अब पेज पर आएगा तो उसको देखने के लिए क्या आपको आइकन कॉपी करना है, मैं फिर से यहाँ पर गया, मेरे को आइकन कॉपी करना पड़ेगा, कहाँ पर था ये आइकन लेते हैं अभी डॉट्स, अच्छा ये ठीक है लोकेशन वाला, अच्छा है इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने बस यहाँ पर सेव, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट और लुक एट दिस। अभी देखो ये बीच में ना लोकेशन जैसा आइकन इज अवेलेबल, आइकन आ गया, तो मैंने ना अपना फॉन्ट ऑसम का आइकन सक्सेसफुली आई हैव लिंक हियर।
ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास गूगल फोन्ट है। यू जस्ट गूगल लाइक गूगल फोन्ट्स के बाद जो भी फोन्ट आपको पसंद आए, व्हाटएवर फोन यू वांट टू ऐड इन योर एप्लीकेशन, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दैट। उसके बाद यहाँ पर आपको बटन दिखेगा, लेट मी शो। या तो डाउनलोड आप करोगे ये गेट एम्बेडेड, मैंने गेट एम्बेडेड किया। गेट एम्बेडेड के बाद ये तो आपको बाइंडिंग के लिए चाहिए, और ये सीएसएस आपको अप्लाई करना है। तो मैंने ऑब्वियसली ये सारी क्लासेस मेरे को नहीं लगा के रखनी, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल वाला एक ये रेगुलर वाला उठाया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने लगाया कि सभी भी जब भी मैंने H1 यूज़ किया, H2 यूज़ किया, डिव यूज़ किया, एंकर यूज़ किया, कुछ भी एलिमेंट आई एम यूजिंग एनी वेयर दिस पर्टिकुलर CSS, आई नीड टू अप्लाई। ठीक है, तो अब ये डिफॉल्ट वाला टेम्पलेट इज रेडी। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ मेरा डिफॉल्ट टेम्पलेट इज रेडी। ठीक है,